हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपको फाइल्स के बारे में बताने के लिए कि आप अगर सोच रहे हो कि भाई हम ब्यूटी पार्लर सीखते हैं और हमें एक मेहंदी की अच्छी सी फाइल बनानी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से फ़ाइल बनानी चाहिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि भाई हम एक ऐसी फ़ाइल बना कर रखें जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे भी उस हमारी इस फाइल को देखें कि भाई हमने कैसे बनाया, क्या था हमारे टाइम पर। तो आप अपनी एक यादें रखना चाहते हो बना के, स्पेशली ये कहना मेरा यही है कि आप अपनी एक यादें बना के रखना चाहते हो जिससे कि आपके बच्चे उसे देखें कि भाई हमारे मम्मी पापा ने क्या सीखा, कैसे है। सो मैं उसी के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि भाई आपको कैसे क्या करना है। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी, शायद जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। देखिए, मैंने कुछ फाइल को इस तरह से बनाया है। आपको स्टेशनरी की दुकान पे आराम से ऐसी फ़ाइल मिल जाएंगी। आप प्लान पेज में बोल देना, आपको ऐसी फ़ाइल मिलेगी। और फिर मैंने उस पर ऐसे हीरोइंस के कार्ड के चिपका के, देखिए पीछे भी मैंने चिपका रखे हैं कार्ड के, आगे भी चिपका रखे हैं मैंने हीरोइंस के। और इस पर मैंने एक ये ग्लेस पेपर चिपका के पिंक कलर का पन्नी लगा दिया जिससे कि इसका अच्छा सा लुक मिल सके और ये जो है ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मैंने पन्नी चढ़ा रखी है। सो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। और जो ये मैंने पीछे लगा रखे हैं इसको आपका एक चार्ट मिल जाएगा दो रुपये का। और इसमें ना कुछ इस तरह के आते हैं, पिक्स आती हैं इसमें। ये आपको जो सी फाइल बनानी हो आप उस फाइल पे चिपका के रख सकते हो। सॉरी, ये उड़ गई हैं। ऐसे आपको मिल जाएगा, आप अपनी फाइल को अच्छे से सुंदर बना सकते हो। सो स्टार्ट करती हूँ मैं टेंटनेट मेरी फाइल्स। सो फ्रेंड्स, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फाइल्स। देखिए, ये मेरा डिज़ाइन है। सॉरी, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको सारे डिज़ाइन दिखाऊंगी जो मैंने बनाए हैं एक एक। ये एक्चुअली ये मेरे पेंसिल से डिज़ाइन बनाए हैं और ये मैंने किसमें से बनाया है मैं ये भी आपको दिखा दूँगी। देखिए, प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरे डिजाइंस आपको कैसे लगे। ये सारे डिजाइंस मैंने बनाए हैं। और ये हाथ आपको जो है आपके लिए हैंड्स के लिए आपको एक प्लास्टिक का हैंड्स मिल जाता है, आप उसको इस पर करके भी अंडरलाइन कर सकते हो। ये देखिए कितनी सुंदर है ये लेडी। जी देखिए, ये अपने मुँह में पीपनी बजा रही है पों पों। और बहुत अच्छी है मेरी फाइल, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली क्या है ना कि मेहंदी का मैं ज़्यादा नाम नहीं जानती। आप देख लीजिए ये वाली मेहंदी कितनी सुंदर है, ये बहुत चला था मेरे टाइम पे डिज़ाइन बहुत। ये देखिए लेग्स और हैंड्स, सिंपल सा ये है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, कमेंट ज़रूर करना डियर कि मेरे हैंड्स आपको कैसे लगे। और आप चाहते हो कि भाई मैं मेहंदी बताऊँ आपको कि आपको किस तरह से लगानी है, तो प्लीज़ फिर भी बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी। यार मुझे सबसे अच्छी मुझे अपनी ये वाली लगी। ये देखिए, ये मैंने बनाया, बड़े ही बहुत टाइम लग गया था मुझे ये लेडीज़ बॉय और बॉयफ्रेंड बनाने में। इसका लेडी है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल और बॉय दोनों। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है लव। बहुत अच्छी है यार ये वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं को है ना, देखो मेरे को इस पर गुड भी मिला है, इस पर मुझे गुड भी मिला था। सी सो दैट सी, बताइए ये वाला कैसा है। ये वाला देखिए, यहाँ पे लिख भी रखा है अपना नाम, क्योंकि आपको अगर चाहिए होता है कि भाई ऐसी मेहंदी लगाएं अपना नाम लिख सकें। सो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मेहंदी है। ये देखिए कितने प्यारा डिज़ाइन है, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत प्यारे डिज़ाइन है। एक्चुअली मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, कभी आप मुझे बाद में गाली दो। आप चाहो तो हाथ में अपने चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइए। डिज़ाइन बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी मेरी तो एक ही फाइल है, मैं आपको टोटल फाइल दिखाऊंगी।
ये देखिए, ये है टैटू। टैटू की तो बात ही अलग है। आप अपने बॉडी पे वगैरह पे, अपने हाथ पे बनवाना चाहते हो ये टैटू। एक एक टैटू मैंने छाट छाट के बनाया था और इस पर मुझे वेरी गुड मिला हुआ है। आप सोच सकते हो बहुत टाइम लगा था मुझे, क्योंकि एक्चुअली हम कोई भी चीज़ बनाए ना तो अच्छे से बनाए। और ये मेरी फाइल लंबे टाइम तक आराम से रख, इस फाइल को भी अभी भी, इस फाइल को मुझे कितना टाइम हो गया, मुझे इसको 4 साल हो गए हैं। और मेरी फाइल को देख के बोल सकता कि 4 साल हो गए हैं। ये देखिए, इस पर मुझे गुड मिला हुआ है। और ये मैंने ओनली फिंगर है, ये मेरी फिंगर के डिज़ाइन है, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो हमें 5 उंगली पर अलग अलग डिज़ाइन चाहिए होते हैं। सो उसके लिए देखिए यार क्या डिज़ाइन है। ये मत समझिएगा कि भाई हाँ मैं ये दिखा रही हूँ, ये मेरे नहीं है, ये मेरे ही हैं। मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ, ये मेरी बिंदी हैं। जैसे हम हमारे टाइम पे जो है ना कुमकुम की बिंदियाँ बहुत लगाते थे, तो उसी के लिए है ये कुमकुम की बिंदियाँ। हम बना के लगा सकते हैं यार, कितने क्यूट डिज़ाइन है ये देखिए। सारी बिंदी इतनी ब्यूटीफुल, क्या बताएं बस। सो मेरी ये वाली फाइल्स ख़त्म हो गई। मैं आपको दूसरी फाइल दिखाती हूँ। और मेरी फाइल पे मेरा नाम डाला हुआ है। कभी आप सोचो कि भाई ये झूठ है, ऐसा कुछ झूठ नहीं है। सेकंड मेरी फाइल ये है, फर्स्ट फाइल मैंने आपको ये दिखाई थी, इस पर करीना छप रही है। सेकंड मेरी ये है, इसका फेयर लवली का ऐड आता था पहले। और मेरी बैक पर कुछ इस तरीके का है। फाइल को अच्छे से सजाना चाहिए यार। ये देखिए मेरा नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने पेन की बनाई थी, पेन से कैसे दिखाऊं। ये मेरी फर्स्ट फाइल है, सॉरी मैंने गलत दिखाया आपको। ये मेरी सेकंड है, इस पर मुझे गुड मिला हुआ है। ये फाइल कुछ इस तरीके से दिखानी चाहिए आपको। ये देखिए, दोनों हैंड्स पे अलग अलग बनाएंगे हम, एक पे दूल्हा एक पे दुल्हन। ये देखिए, मुझे ये वाली फाइल बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। इस पे भी मुझे वेरी गुड मिला हुआ है। इसमें क्या है, इसमें कृष्ण जी बनाए हैं मैंने। कृष्ण जी हैं, ये इसकी इनकी लुंगी है, ये इनके पैर हैं जो मुड़ के खड़े हैं, ये कमल है यहाँ पे। ये भी शायद कृष्ण ही थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने क्या बना दिए थे। ये इस फाइल में ऐसा ही था, जैसा था मैंने वैसे ही बनाया है। और आपको ये ना लगे कि मैंने ये जो है कह देते हैं ना कि एक के ऊपर एक रख के जो खींच के बना देते हैं, ऐसा होता ना तो मेरे यहाँ पे भी निशान बने होते। और ये उस टाइम की बेल हैं जब बहुत चलती थी ये, इन्हें कहते थे चूड़ी वाली कड़े वाली बेल, ये वो हैं। ये बेल वाला है, वो पहला जो दिखाया था मैंने आपको, वो भरा हाथ था जिसको दुल्हन के हाथ में लगानी हो। और ये हैं लड़कियाँ वगैरह, जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है, आपको रक्षाबंधन के लिए सिंपल हाथ चाहिए। सो लेट्स सी, ये देखिए बहुत प्यारा है रक्षाबंधन पे लगाने के लिए, सिंपल हाथ, बिल्कुल सिंपल हाथ। इस पर भी देखिए मुझे गुड मिला हुआ है। और इसमें डिज़ाइन में क्या खासियत है डियर, ये देखिए यहाँ पे पहले हाथी है, फिर दूल्हा है, फिर दुल्हन है। डिज़ाइन में ना बात ही अलग अलग है डिज़ाइनों की। तो ये देखिए सिंपल हाथ है, ये जैसे कहते हैं ना, जैसे बेल बेल बोलते हैं, बेल चाहिए भाई मुझे, बेल लगवानी है। देखिए ये वाला डिज़ाइन देखिए, इस पर मैंने मोर बनाया है। ये मोर है और ये इसके पंख हैं, यहाँ तक लगे इसके पंख बनाए हैं। बहुत टाइम लग गया था इसे बनाने में, बहुत टाइम। और ये वाला डिज़ाइन देखिए, ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। ये जैसे फाइल में थे बिल्कुल मैंने वैसे ही बना रखे हैं ना।
थोड़ा हाथ पे बनाने में दिक्कत हो सकती है अगर आप न्यू हो तो। अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो आप तो बहुत मुश्किल बना पाओगे ये सब डिज़ाइन। ये कितना प्यारा डिज़ाइन है ये, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप भी पार्लर सीखते हो भाई, एक फ़ाइल बनाना चाहते हो, तो मैं उस एक आइडिया देना चाहती हूँ आपको, आप कैसे फ़ाइल बनाओ। ये देखिए, जब मेरी फ़ाइल साइन होकर आई थी ना आगे से, सो मेरे को यहाँ पे स्टैंप लगा के दिया था, ये जिस कॉलेज में था उसमें स्टैंप लगा के मुझे दी गई थी फ़ाइल, क्योंकि मैंने सरकारी से, सरकारी नहीं मेरा प्राइवेट है और मेरा डिप्लोमा सरकारी है। सो अब आती है आपकी नेक्स्ट फाइल, आप देख लीजिए कभी आपको एक ही फाइल को देखें। पहली फाइल मेरी करीना वाली थी, दूसरी मेरी ये है और तीसरी मेरी ये वाली आ रही है। वाओ, अब मेरी बारी आती है। इस फाइल में बहुत खास है, ये देखिए मेरा उस पर नाम लिख रहा है, ये मेरा स्कूल का नाम है। यहाँ देखिए, हम जितने भी सीखते थे तो हमने, हमारी भाभी ने हमें मेकअप सिखाया था करना, तो आप ये देख सकते हो मेकअप हो रहा है इसमें जब मैं थोड़ी छोटी थी, तो आप देखते हो उस टाइम पे कैसा मेकअप हुआ करता था। इसमें आप पता करना कि मैं कौन हूँ, पता नहीं आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। ये मैं, हम सारी फ्रेंड हैं, जब हम सीखते थे पार्लर तो हमने एक फ़ोटो खिंचवाया था, सबके अलग अलग दिया था कि भाई। सो यहाँ से स्टार्ट होती है आपका पार्लर। जब आप पार्लर सीखते हो तो आप सबसे पहले आपको थ्रेडिंग बताई जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग की कुछ पिक्स लगा दिए हैं और यहाँ पे थ्रेडिंग लिखा हुआ है ऊपर, और ये उसकी थ्योरी है, क्योंकि जब आप पार्लर के लिए डिप्लोमा लोगे तो आपको थ्योरी बनानी, थ्योरी लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी ये थ्योरी है, सॉरी, ये देखिए। फिर आती है ब्लीच, तो मैंने ब्लीच की भी कुछ पिक्स लगा रखी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख रखी है ब्लीच की, और यहाँ पे ब्लीच के स्टेप बाय स्टेप है कि आप किस तरह से लगाना है ब्लीच, सीखे हैं कुछ, मतलब दो तीन पेज लिखने होते हैं एक ही चीज़ के ऊपर। ये आपका मैनीक्योर आ गया ये, और इसकी थ्योरी आ गई, तो आप मैनीक्योर की पिक्स ऐसे लगाइए, बहुत ही सुंदर बना कर लगाइए। ये मेरा पेडिक्योर है और इसकी थ्योरी है। थ्योरी के लिए आपको बुक्स मिल जाएगी, आप आराम से कोई भी बुक्स ले सकते हो। ये हेयर कलर है, ये कटिंग है ये, यहाँ पे बता रहा है कटोरी वैक्स, ये ऊपर लिख रहा है कटोरी वैक्स बता रखी है। बस ऐसे ही है यहाँ पे, ये वैक्स है, जो जो मतलब कि आपको लिखना है तो आपको एक साइड में ऐसा पेज लेना है, एक तरफ प्लाइन हो एक तरफ लाइनिंग हो, तो प्लाइन की तरफ आप पिक लगाइएगा और इधर लिख लीजिए, और अपनी इस फाइल को एक सुंदर सा लुक दीजिए, बहुत सुंदर सा लुक। यहाँ पर देखिए फेशियल ट्रीटमेंट दिखा रखा है, ये सब ट्रीटमेंट है फेशियल के, पपाया है, फेशियल है, पपाया का फेशियल है, बाकी सारे फेशियल लिख रहा सकते हैं। ये देखिए सब फेशियल के ट्रीटमेंट हैं, ये ऐसे ही बनानी होती है डियर फाइल सबको। ये देखिए, जैसे किसी का पिंपल हो गया तो कैसे हटाना है, कैसे कैसे मशीनों से भी क्या, हमें तो कुछ नहीं बताते इन चीज़ों के बारे में, बस बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया हमको, बनाओ भाई बनाओ, तो हमने बना के दिखाया भाई। ये देखिए मैंने लगाया, हाँ आपको इसका ऐड भी आता होगा, ये मैंने न्यूज़पेपर में से ही काट के लगाया था। अलग अलग लुक दीजिए ना, जब मैं पढ़ाई करती थी ना तो मैं अपने रजिस्टर में भी अलग अलग काट के लगा दिया करती थी, मेरी मैम कहती थी वाओ क्या फाइल बनाई है, आप भी ऐसी बनाइए। ये मेहंदी आ गई, इस फाइल में कंप्लीट पार्लर है हमारा, कि हम पार्लर के स्टार्टिंग में क्या सीखते हैं और एंड तक हम क्या सीखते हैं, सारा कुछ इसमें हमें लिखना होगा। ये देख लीजिए कर्ली वगैरह, बालों को बता रखा है कैसे करना होता है। ये देखिए मैंने ऐश्वर्या, कंगना,
और फिर मुझे नाम भी नहीं पता है, ये हेयर स्टाइल है, ये सब जुड़ा है, ये सब जुड़े हैं। मुझे बहुत सारे जूड़े बनाने भी आते हैं, आप बताइए आपको जूड़े बनवाने हो तो मैं आपको जूड़े भी सिखाऊंगी सिंपल। आप खुद भी बना के जा सकते हो शादी पार्टी में। ऐसा होता है ना कि हम मेकअप कर लेते हैं बट वो ये बात आती है ना हेयर स्टाइल नहीं बना पाते, जूड़े नहीं बना पाते। सो मैं आपको जूड़े सिखाऊंगी बनाने सिंपल, आप खुद बना सकते हो घर पर ही, क्योंकि यार जूड़ा ना हर किसी के बस के बनाना नहीं होता। और पार्लर में जाओ वही 250 से 300 रुपये जूड़े जूड़े के। ये साड़ी वगैरह है कि हमें साड़ी कैसे अलग अलग पल्लू के साड़ी है, ये देखिए मैं तो आपको दिखाती हूँ। इधर इसे बोलते हैं फ्री पल्ला, ये लहंगा का पल्ला, ये फ्री पल्ला, ये सब फ्री पल्ले हैं। इधर देखिए किस तरीके के पल्ले हैं, मतलब ये सीधा पल्ला बोलते हैं, इसे उल्टा पल्ला बोलते हैं, फ्री पल्ला हो गया, अलग अलग लगाना था। ये हमारे आई शेडो वगैरह कैसे लगाना है, आईज के बारे में सब, ये सब दुल्हन के लिए हैं, दुल्हन को कैसे करना है, ये सब मेकअप है। सॉरी, अच्छा से अच्छा मेकअप दिखा रखा है यहाँ पे, ये सब मेकअप है। सो मेरी फाइल कंप्लीट हो गई। आपको जो है 3 फाइल बनानी होती हैं, एक तो ये वाली जिसमें आपको पूरा मेकअप होगा, और आपकी 2 मेहंदी, जैसे मैंने बनाई है 2 मेहंदी की फाइल्स, आपको ऐसे बनाना होगा जब भी आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा। और मैं सॉरी मैं बता देती हूँ आपको, मैं बनाती किस में से थी, तो मेरी ये बुक्स हैं अरेबिक मेहंदी की, लाइबा मेहंदी की, सॉरी फाइल है मेहंदी की, मैं इसमें से डिज़ाइन देख देख कर बनाती थी। ऐसे ज़्यादा इसमें अच्छे डिज़ाइन तो नहीं मिलते, बट हम मैं ना एक डिज़ाइन को देख के और उसी में ही अलग करके बनाती थी, क्योंकि जो होता है ना बुक्स में वो हम नहीं बना पाते, क्योंकि देखो जिस तरह से इसमें दिखा रहा है ना ये भर के हाथ, अगर हम अपने हैंड्स पे लगाएंगे ना तो हमारा ये डिज़ाइन इतना बड़ा हो जाएगा ना कि बाकी ये सब लगाने के लिए इसके यहाँ तक आगे हमारा ये आगे तक पहुँच जाएगा। तो हमें ना डिज़ाइन को इस तरह से काट के बनाएं, मोड़ तोड़ के, अलग सा ही लुक आ जाए। सारी गंदी भी हो रही है मेरी तो ये मेहंदी लगा लगा के। सो डियर मेरी मेहंदी कंप्लीट, मैंने बता दिया है आपको कि मेहंदी कैसे लगानी है, ऐसी ऐसी पिक्स हैं कुछ मेरे पास। ने मेरी फाइल देख ली है, कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा। हाँ अब बात आती है ये कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, बताना मैं आपको ये चाहती हूँ कि पहले तो मेरा आप ये देखिए हार्ट कि मैंने बनाया था, मेरी पिक्स लग रही है, बहुत ही क्यूट हार्ट है। आपको बनवाना है तो बताइएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बना कर दिखाऊँगी। बताना मैं आपको ये चाहती हूँ कि जब मुझे पार्लर वाली ने ये फाइल बनाने के लिए बोला था, तो मुझे उसने कहा था डिप्लोमा के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा डिप्लोमा 5,000 का है, मेरा डिप्लोमा 5,000 का है, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया, बस एक दो कस्टमर आ गया तो मैंने देख लिया कि भाई क्या बना है कैसे करना है, वरना मुझे कुछ नहीं सिखाया उसने। और उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये लिए हैं डिप्लोमा के। उन्होंने मेरे से ये बोला था कि जो डिप्लोमा मैं आपको दूंगी वो डिप्लोमा ऐसा वैसा नहीं होगा, आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे आप डिप्लोमा दिखा देना और आपको कोई भी जॉब पर रख लेगा। मतलब कि इतना हाई बड़े ही इतने बड़े इंस्टीट्यूट से वो डिप्लोमा आया है कि आपका डिप्लोमा का नाम पढ़ते ही वो आपको नौकरी पर रख लेंगे। इसी सोच के मैंने जो है 5,000 रुपये का डिप्लोमा ले लिया, ठीक है डिप्लोमा दे दिया। और बाद में मुझसे ये कहा कि भाई जॉब ढूंढो, हमारे पास तो जॉब है नहीं, कहीं भी जाओ मिल जाएगी, बट डिप्लोमा वैल्यू नहीं रखता, आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है ये देखा जाता है। डियर आप कभी भी कागज़ों पर विश्वास मत करना, आप खुद कितने सेल्फ डिपेंड हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर का है तो ही आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी। बहुत सी वही लड़कियाँ ऐसी हैं जो पढ़ाई लिखाई काम करके और अपना एक पार्लर खोलना चाहती हैं। सो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप इस वहम में मत जीना
कि भाई हम महंगा डिप्लोमा ले लेते हैं और हमें जॉब मिल जाएगी, नहीं डियर, एक्सपीरियंस देखा जाएगा आपका, वो भी 2 से 3 साल का मांगते हैं। जो मेरा तो 6 मंथ का ही था, मैंने तो 6 मंथ ही किया था पार्लर का कोर्स, उस तो फिर कहाँ से होता है यार। अब मेरे घर वालों ने मुझे कहा भी था कि मत लो, पर मैं नहीं, मुझे तो चाहिए डिप्लोमा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे 5,000 रुपये डिप्लोमा दिया। 5,000 रुपये यार, क्या होगा यार, आपकी एमए की फ़ीस भर जाती है 1 ईयर की। गैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, बस मेरा आपसे कहना यही है कि आप प्लीज़ डिप्लोमा पे ज़्यादा मत विश्वास कीजिए, हो सके ना। बट आजकल तो यूट्यूब पे ही इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि भाई मेकअप कैसे करते हैं, अच्छे से अच्छा बता सकते हैं। आप खुद से भी ट्राई करिए, हो जाएगा मेकअप, ऐसी बात नहीं है कि पार्लर में इतना कुछ खास नहीं सिखा पाते आजकल के टाइम पे। सो यार डियर, मेरा कहना यही है कि प्लीज़ आप कभी भी विश्वास मत कीजिए डिप्लोमा पे। मेरा 5,000 का डिप्लोमा आया है, मेरा तो गला ही काट देगा, भगवान बचाए मुझे तो ऐसी लेडीज से। भाई वो यहाँ से चली गई खाली करके कमरा, वरना मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है ना कि मुझे मिल जाए ना तो उसे 5,000 रुपये लेके रहूँगी। सो डियर, आप प्लीज़ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है ये। और सबसे बड़ी बात थ्रेडिंग के अंदर जो है वो ये है कि आप थ्रेडिंग बनाना ज़रूर सीखिए, क्योंकि अगर आपको थ्रेडिंग नहीं आती समझो आपको बिल्कुल पार्लर नहीं आता। मुझे थ्रेडिंग बनानी आती है, इतनी अच्छी आती है कि भाई जो मेरे से वह बनवा लेना वो मेरा फ़ैन हो जाता है। तो आप थ्रेडिंग बनाना सीखिए, क्योंकि थ्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो हर किसी के बस की नहीं है अच्छी से अच्छी बनानी। थ्रेडिंग पे फोकस कीजिए, थ्रेडिंग बनाना सीखिए, क्योंकि जब भी आप पार्लर में काम करने जाओगे वो सबके हाथ में सबसे पहले थमा देंगे धागा, थ्रेडिंग बना के दिखाओ, हाथ चला के दिखाओ, हाथ चलाओ, लेग्स पे चलाओ, हैंड्स पे चलाओ, उसको पहले उसको वैसे फॉरवर्ड करो। आप जो है धागा चलाना सीखिए जल्दी जल्दी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप धागा कैसे चलाएँ, मैं आपको बताना सिखाऊँगी। प्लीज़ मैं आपकी इतनी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो डियर, आप प्लीज़ डिप्लोमा का विश्वास मत करना, डिप्लोमा आपको फ्री में मिले वही डिप्लोमा लीजिए, वरना डिप्लोमा मत लीजिए। सरकारी में डिप्लोमा फ्री मिलता है, मेरा डिप्लोमा 5,000 का क्योंकि मेरा ये प्राइवेट था। प्लीज़ बाय बाय, इतना ही कहना था आज का। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है, बाय बाय।